नमस्ते, मेरा नाम नीतीश शर्मा है और मैं हिंगोली महाराष्ट्र से आता हूँ। मेरा पूरे आईबीएस का प्रॉब्लम के रिलेटेड पूरी बातें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। मुझे आईबीएस 2016 में चालू हो गया था, तब मेरी उम्र थी 23 साल। तब मैं रिसेंटली इंजीनियरिंग पास आउट हुआ था और मैं आईबीएस की वजह से बहुत सफ़र कर रहा था। मुझे आईबीएस डी है, बोले तो आईबीएस डायरी। तो मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया, वो सारे टेस्ट की, लाइक कोलोनोस्कोपी, इंडोस्कोपी, सोनोग्राफी किए, स्टूल टेस्ट भी किया, लेकिन मेरा प्रॉब्लम कुछ सॉल्व नहीं हुआ था। मैंने पुणे में भी दिखाया, मुंबई तक बड़े बड़े हॉस्पिटलों में गया, बहुत सारा पैसा मैंने खर्च कर दिया था। जब भी कहाँ भी जाता हूँ तो मुझे डायरी की वजह से ऐसे कोट नहीं तकलीफ होती थी, कंटिन्यूस तकलीफ होती थी। मुझे पता नहीं चलता था मैं क्या कर रहा हूँ, क्या काम चालू है। तो उसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत हुआ। मैंने इसकी वजह से बहुत सारी एमएनसी कंपनीज को भी छोड़ दिया है। एक्चुअली मैं जब भी काम को जाता था तो मुझे वहाँ पे दिल मचलाना, ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम चालू हो गई थी। मुझे बीच में ही बहुत सारी जॉब छोड़नी पड़ी थी उसकी वजह से, और काम में मन नहीं लगना था। मेरे घर वाले भी बहुत परेशान हो गए थे। मैं उनको बताता था कि मुझे बहुत बड़ी पेट की बीमारी है, लेकिन मैं कहाँ पे जाता था तो रिपोर्ट तो नॉर्मल आते थे, तो वगैरह घर वाले बोलते तो परेशान कर रहा है, मुझे कौन सी बीमारी नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम मुझे फेस करने थे। फैमिली में मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए और बहुत सारा पैसा भी वेस्ट किया। फिर मैं बाद में जब मैंने यूट्यूब पे देखा आईबीएस के रिलेटेड, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, लेकिन तब मुझे विकास गुप्ता सर जी की वीडियो दिखी, तो मैंने उसे वॉच किया, उनसे सलाह लेकर मैं क्योर हो गया था। पूरे परसेंट क्योर हो गया हूँ और अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। उन्होंने जो जो कहा मैंने वो किया, उनकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे तो आपकी भी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैं पहले पार्टी है वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता था। अब जब मेरा पूरा क्योर हो गया है तो अब मैं कहाँ पर भी जाता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत होती नहीं है। इवन मुझे पहले ट्रैवलिंग में भी दिक्कत होती थी, बीच में पेट खराब हो जाता था, और जब से मैंने विकास गुप्ता सर जी ट्रीटमेंट चालू की थी, पूरी कंप्लीट कर ली, अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है और मैं पूरी तरह से क्लियर हो चुका हूँ। आप एक्चुअली आईबीएस ऐसी बीमारी है, आप कहाँ पे भी जाओ आपको वो नीट सुकून से रहने नहीं देती। वो पता नहीं चलता है लोगों को, लेकिन आप सबसे अलग रहते हो। आप हमेशा टेंशन में रहते हो, हमेशा सोचते रहते हो, तो उसकी वजह से आप जब तक आप अपनी पूरी ट्रीटमेंट आप क्योर नहीं हो जाती, आप परेशान ही रहोगे। तो एक अच्छे से डॉक्टर से सलाह लीजिए, गुप्ता सर की सलाह लीजिए, आप पूरी तरह से क्योर हो जाएंगे। जैसे मैं आप फिलहाल पूरी तरह से क्योर हो चुका हूँ। शुक्रिया गुप्ता सर, सभी उन्होंने जो एफर्ट्स लिए मुझे ठीक कराने में, तो उसके लिए भी शुक्रिया। थैंक यू सर।